जय एक्यूप्रेशर योग एंड क्लब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं भी आपको बताने वाला हूँ ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा से सारे लोग परेशान हैं और सब स्लिम और ड्रीम रहना चाहते हैं। उसके रहने का सबसे आसान तरीका, मैं वो पुरानी चीज़ें बताने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ नई चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। ओबेसिटी क्यों होती है? हमें भूख लगने से होती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं और जंक फूड खाते हैं, जिसके कारण ओबेसिटी मुझे होता है। तो उससे बचने का सबसे आसान तरीका है कुछ भी नहीं, हमें भूख कम लगे। अगर भूख हमें कम लगेगी तो फिर क्या होगा कि हम खाना कम खाएंगे या जंक फूड कम खाएंगे। तो जिन्हें ज़्यादा मोटापा है और भूख लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो खाए जा रहे हैं तो मोटापा बढ़ना ही है। तो उसके लिए क्या करें? तो इसमें दो टेक्निक्स है कि आप एक तो खाना खाएं और मोटापा को खाते हुए कम करें, दूसरा कि खाना कम खाएं तो मोटापे को कम करें। तो उसके लिए मोटापे को कम करने के लिए खाना नहीं खाते हुए भूख कम लगे उसका सबसे आसान तरीका है, ये येलो कलर का पेन लीजिए। ये पेन लेने के बाद ये येलो कलर, ये हमारा स्टोमक है यहाँ पे, ये स्टोमक के पे पूरा आप येलो कलर का इस्तेमाल कीजिए। ये पूरा अगर ये आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको भूख कम लगेगी। तो इससे क्या होगा कि आप कम खाएंगे और कम खाएंगे तो बॉडी की चर्बी बढ़ेगी नहीं। तो ये सबसे आसान तरीका है भूख नहीं लगने के लिए, भूख नहीं लगने के लिए सबसे आसान तरीका है। और क्या कर सकते हैं, ये इस सब पे, इसका अगर मान ली कि इसके बाद भी भूख लग रही है तो आप हाथ में इस जगह पे ये लगा सकते हैं, ये येलो कलर, ये सारे उंगली में येलो कलर का इस्तेमाल करके आप भूख को खत्म कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो भूख कम करने का आसान तरीका, और भूख कम होगा इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में ज़्यादा खाएंगे चर्बी बढ़ेगी। आगे जो व्रत रखते हैं और जिनको व्रत रखने के बाद दिन में भूख लग जाती है, परेशानी है, वो भी जो है इसे कर सकते हैं, लगा सकते हैं, उपवास कर सकते हैं। जो कम खाना चाहते हैं और मजबूरी है, भूख ज़्यादा लगती है, खाते हैं, तो ये कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ही चीज़ है कि भाई खाना आप ज़्यादा खाइए, हमारे दोस्तों, खाना खाते हुए मोटापा कम कीजिए, तो ये बड़ी बातें हैं। लेकिन ओबेसिटी के लिए ये हमारे पास बहुत दिनों से लोग आ रहे थे कि ओबेसिटी पे दीजिए, तो एक छोटा सा टिप्स दिया है। आगे ओबेसिटी के लिए मैं नई चीज़ें आपको फिर कुछ दिनों में दूंगा, इसे करके देखिए। दूसरी बात, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए, ये मुझे मालूम होना चाहिए। और इससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, अगर इससे कॉमेंट करेंगे तो मैं और नई चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ट्रीटमेंट है ओबेसिटी के लिए, वो मैं आगे बताऊंगा। अगर आपके कमेंट पे ही सारा चीज़ डिपेंड करता है, इसलिए कमेंट कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।